में उन्होंने करवा दिया। He was wonderful, absolutely. हाँ, चर्चित कवि दिवीक रमेश के नए कविता संग्रह पर तो आइए इस बारे में बातचीत करते हैं डॉक्टर नामवर सिंह जी से। नामवर जी, ये दिवीक जी का संग्रह काफी दिनों के बाद गेहूं घर आया है। नाम से तो ऐसा लगता है कि ग्रामीण जीवन की कविताएं तो ज्यादा होंगी, लेकिन मुझे लग रहा है कि जो मध्यवर्गीय शहरी जीवन है उसके यथार्थ को ही देखने की कोशिश ज्यादातर कविताओं में है। ऐसा मदन जी की बहुत से लोगों को मालूम नहीं होगा जो हमारे दर्शक हैं, ये दिवीक क्या होता है। तो एक जमाने में पढ़ते समय दिवीक का मतलब दिल्ली विश्वविद्यालय कवि, तो युवा कवियों ने दिल्ली विश्वविद्यालय के उन लोगों ने एक ग्रुप बना करके, दल बना करके प्रचार के संगठित रूप से अपने को स्थापित करने के लिए किया, जिसमें पहल की थी रमेश जी ने। और अब वो दिल्ली विश्वविद्यालय के एक भाग हैं और रहे ही नहीं है, बल्कि ये हिंदी जगत को बताते भी रहे हैं कि हमारा संबंध एक कविता भी शमशेर के बारे में उन्होंने लिखी है, दिलचस्प। लेकिन एक और शमशेर जी जैसे शहरी संवेदना के और आधुनिक चेतना के संपन्न कवि से अपना संबंध बताना और होना, और दूसरी ओर संबंध इनका हरियाणा से है, और हरियाणा तो अपने गेहूं के लिए जाना जाता है, कविता के लिए तो जाना नहीं जाता है। तो इसलिए कविता संग्रह का नाम अंत में उन्होंने गेहूं घर आया है दिया, यानी बताना चाहते हैं कि जमीन से वो जुड़े हुए हैं, खेती बाड़ी से जुड़े हुए हैं। और एक कविता भी है गेहूं घर आया है, और वो कविता इसलिए कविता लगती है कि क्योंकि गेहूं पर कविता क्या लिखी जाएगी, या तो प्रकृति चित्रण करें। तो पहला ही शब्द है जो इसको थोड़ी सी इसमें एक नोक प्रकट होती है, कर्ज का ही सही घर आया तो है गेहूं। इसलिए कर्ज जो है ये इस गेहूं को कविता के लायक बनाता है, वरना प्रकृति चित्रण की कविता हो गई होती। इसलिए किसान की स्थिति का सूचक है, जब आया तो है गेहूं लेकिन कर्ज, वही किसान का जो दुख है और जिसमें किसान इतनी तो ये छौंक उन्होंने दी है। लेकिन कायदे से अनेक कविताएं जो हैं वो आरंभ की कविताएं खास तौर से, उनकी भाषा भी एक आलोचनात्मक विवेचनात्मक विचार प्रधान जिसे कहना चाहिए। और इस दृष्टि से मैं उनकी एक कविता जो आरंभ में एकदम शुरू में नहीं, उस आरंभिक कविताओं में से है, राहों के बाहर जी, जी। और इस कविता को देख ले तो इसके बाद इसके बारे में बात करते हैं। जब तक जुड़े रहते हैं पांव धरती से, देती है धरती भी उन्हें एक ना एक राह। धरती गतिशील है तो पांव भी, दरअसल शब्द हम देते हैं राहों को, मतलब उलझन, अकेलापन, नहीं तो नहीं होती कोई है जहां मजबूर इच्छाओं और खूबसूरत अपेक्षाओं के ठग भी, वही होता है सबसे ज्यादा बीहड़ भी। और बहुत बार हम नहीं रह पाते चौकस, कभी कभी हो यूं भी जाता है कि हम चलते चलते राह उधर की पहुंच जाते हैं इधर, और हमें एहसास भी नहीं होता जिसका, बल्कि हम भीतर ही भीतर जश्न मनाते हैं। बहुत मुश्किल होता है यूं अपने को छोड़ देना प्रवाह में, पर मुमकिन जरूर होता है। सब कुछ भूलकर हमारा खींचा चला जाना उस ओर, जहां से पुकार लिया होता है हमें एक अपनों की पुकार ने। बहुत आसान होता है चलना राहगीरों की राह पर राहें वहां भी होती हैं जहां वे नहीं दिखती चलने से पहले। तो राहें वहां भी होती हैं जहां वो नहीं दिखती चलने से पहले जी। तो इस तरह से आज का मतलब ठीक ही आपने कहा कि विचार प्रधान कविताएं हैं, और खास बात यह है कि ऐसे मदन जी आप तो जानते हैं
एक जमाने में कवि की आस्था और विश्वास की के बारे में पूछा जाता था और उस आस्था विश्वास के लिए उसको उसकी ताकत का वो प्रमाण माना जाता था, प्रतिबद्ध कवि है प्रतिबद्धता के रूप में। उसके बाद लगता है कि आजकल के दौर में संवेदनशील और प्रबुद्ध कवि वो है जिसमें दुविधा हो, संदेह हो, शंका हो, ये भी एक मूल्य बन गया है। आस्था के विपरीत आज के जमाने में समय आता है कि ज्यादा परिपक्व आदमी जब होता है तो उसके मन में दुविधा होती है। इस कविता में उसी की बात कही गई है, जब तक जुड़े रहते हैं पांव धरती से, देती है धरती भी उन्हें एक न एक राह। यहाँ तक तो ठीक है, धरती गतिशील है तो पांव भी, लेकिन बाद में वो बताते हैं कि आगे चल करके कभी कभी यूं भी, कभी कभी हो यूं भी जाता है कि हम चलते चलते राह उधर की पहुंच जाते हैं इधर, और हमें एहसास भी नहीं होता कि, बल्कि जिसका हम भीतर ही भीतर जश्न मनाते हैं। तो राह भटक जाना, मंजिल पर पहुंचने के बजाय ठीक उल्टी दिशा में चले जाना और उसका जश्न मनाते हैं और लोगों को प्रीतिकर लगेगा, प्रीतिकर मैं नहीं जानता, कि इसको एक मूल्य समझना कि चले थे कहीं, पहुंच गए कहीं, ये दुख की बात नहीं है। उत्तराधुनिक समाज में यह एक मूल्य बन गया है। तो इस तरह से गेहूं से लेकर के संदेहवाद और भटकन आदि को एक मूल्य के रूप में कविता में, और यहाँ कोई लोगों को लगेगा कि यही कविता बन रही है, तो उस दृष्टि से संभव है कि उनके लायक भी। हाँ, इसमें कुछ कविताएं ऐसी भी है जिसमें नए यथार्थ को उद्घाटित करने की एक कोशिश या आज के समकालीन समाज के यथार्थ के भीतर बैठने की कोशिश दिखाई देती है। एक कविता इसमें शमशेर के बारे में भी, शमशेर की कविता को समझाने की उन्होंने कोशिश की। छुइए मगर हौले की ये कविता शमशेर की है, और ये जो एक आध पंखुरी बिखरी सी पड़ी है ना, जिस तरह से छापा है शमशेर की तरह से, वो शमशेर वाली बात नहीं है इसमें। जब इसका बात तो यही हो सकता है कि शमशेर के बारे में है, उनकी कविता के बारे में। तो इससे पता चलता है कि वो गीतकारों की कोटि के कवि नहीं है, बल्कि गीतकारों से अलग हट के जो आज की कविता की धारा है उसमें गेहूं घर आया है जैसा संकलन है। और मेरा ख्याल है कि अवश्य ही इसकी ओर लोग नए संग्रह की ओर आकृष्ट होंगे और मूल्यांकन इसका किया जाएगा। हाँ, 8वें दशक में ये भी चर्चा में आए थे और हिंदी में उस समय काफ़ी महत्वपूर्ण कविताएँ लिखी गई है जिन कवियों से इनका अपना रिश्ता नाता भी है, और वो ये रिश्ता नाता सिर्फ व्यक्तिगत ही नहीं है, सृजनात्मक स्तर पर भी है। तो इस रूप में आपको याद होगा पूरी जी ने गेहूं बनाम गुलाब, जी एक उनकी पुस्तक गुलाब कि गेहूं की खेती ही नहीं बल्कि गुलाब की होनी चाहिए, यानी अर्थ के वृक्ष उन्होंने संस्कृति को रखा था, कला को रखा था। तो ये गुलाब के वृक्ष मेरा ख्याल है कि गेहूं को रखना चाहते हैं, ये भी नया रुझान है और वो भी आकर्षित करे। तो आपने इस तरह से इनकी कविताओं को